पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या और उनके परिवारों के साथ तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सुजानपुर भाजपा मंडल ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इस संदर्भ में एक मांग पत्र उपमंडलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया और उसमें जिस तरह से ममता सरकार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी कर रही है को लेकर रोष व्यक्त किया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजानपुर के करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में सुजानपुर बस स्टैंड पर ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथ में विरोध स्वरूप तख्ती उठाकर जमकर आवाज बुलंद की और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वहां पर रह रहे लोगों के साथ ममता सरकार और उनके गुंडे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उस पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। सुजानपुर भाजपा मंडल पूर्व अध्यक्ष व जिला परिषद कैप्टन रणजीत सिंह, प्रभारी विनोद ठाकुर, उपाध्यक्ष प्यार चंद, अनुसूचित जाति जिला मोर्चा के अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं। अगर शीघ्र ही पश्चिम बंगाल में आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में कई राज्य में चुनाव जीते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस तरह की आपराधिक घटनाएं नहीं कि लोकतंत्र की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। जनता जो फैसला करती है वे सर्वमान्य होता है, लेकिन ममता सरकार और उसकी सरकार के गुंडे जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं उसे सहन नहीं किया जाएगा। बात है, जिस तरह बंगाल में चुनाव के बाद चुनावी हिंसा शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये बहुत ही शर्म की बात है। एक लोकतंत्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो अपने देश के नागरिक की सुरक्षा नहीं करे उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी लक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के सुजानपुर के कार्यकर्ता भी माननीय हमारे माध्यम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और एक साथ हम जितने भी बंगाल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के उनके साथ इस घड़ी में इकट्ठे हैं। इसी उपलक्ष में आज हम इस ज्ञापन देने जा रहे हैं।